मैं ना कल नारनौल गई थी। पूनम के जो वो जयपुर वाली फ्रेंड है मेरी पूनम, उसके ससुर जी रिटायरमेंट आए थे, तो वहाँ ना ये मिठाई रखी हुई थी। मैं यूजुअली मिठाई ये वाली तो खाती नहीं, खोए वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मतलब मेरा हमेशा से था, नहीं खाती हूँ। मेरे नाना जी बनाते थे तो वो मिठाई मैं खाया करती थी बस। उसके अलावा ये वाली मिठाई मैंने मार्केट से कभी नहीं खाई। घर पे भी दिवाली पे कोई देके जाता था, कभी भी फ्रिज में, मतलब बाहर से कभी आई, कभी नहीं खाई मैंने। जब मैं नारनौल गई ना फंक्शन में, तो ये वाली मिठाई रखी हुई थी। तो मेरी फ्रेंड थी दो, वो कह रही थी कि बहुत अच्छी मिठाई है, पता नहीं किसकी फेमस है, खा के देख ऐसे। तो मैं बहुत ज़रा सा टुकड़ा उठाकर जस्ट मुंह में रखा, सेम वैसी है जैसे मेरे नाना जी बनाया करते थे, सेम वैसी। और ये डेली मैं एक खाती हूँ। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है आज, ये मैं डेली एक खाती हूँ। एक बाइट लेते ही ना नाना जी की याद आ जाती है। बस मेरे नाना जी थोड़ा सा मीठा कम रखते थे अपनी मिठाइयों में। ये मेरे ख्याल से पहली ऐसे खोए की बर्फी है जो मैं अपने नाना की बर्फी के अलावा खा रही हूँ। मेरे नाना जी अब नहीं रहे यहाँ पर, आप सबको पता ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा मिलने जाती रहती थी, पर पता नहीं, मतलब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाते हैं वो। फिर मेरी नानी जी भी चली गई, वो भी नहीं निकल पाती हैं मेरे दिमाग से। मेरे दादाजी भी चले गए, पर सबसे ज़्यादा मैं क्लोज अपने नाना जी के थी, क्योंकि कभी भी कोई भी बात होती थी ना, मेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई हो जाती थी, मैं सीधा अपने नाना जी को फ़ोन करती थी और उनको शिकायत लगा देती थी। तो मेरे नाना जी ना मेरी मम्मी को सीधा फ़ोन करके धमका देते थे। मुझे नहीं पता नारनौल में मिठाई कौन बनाता है, पर सेम मेरे नाना जी जैसी है। मैंने सोचा नहीं था शेयर करूंगी, पर मैंने ये वीडियो भी इसलिए बना ली कि हमेशा याद रहेगा, एक मेमोरेबल चीज़ है ये। मुझे भविष्य में जब भी मैं ये ब्लॉग देखूंगी तो मुझे पता चलेगा नारनौल की मिठाई थी। मैं चीज़ें भूल जाती बहुत जल्दी, नारनौल की मिठाई थी, कभी भी याद आएगी तो ज़रूर खाने जाऊंगी। सेम मेरे बाबा जैसे, सेम, बस मीठे का थोड़ा बहुत फ़र्क है। मेरे बाबा मीठा कम रखते थे, इनका हल्का सा ज़्यादा मीठा बस। हर जगह मैंने अपने नाना जी का, मैंने वॉलपेपर अपने नाना जी का लगाया हुआ है, गैलरी में फोटोज नाना जी की रखी हुई हैं, निकल ही नहीं पाते दिमाग से। जब भी उदास होती हूँ सबसे पहले नाना जी याद आते हैं। आप लोगों के दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप लोग भी जानना चाहते हो ना मेरे नाना जी कितनी अच्छी मिठाई बनाते थे, तो नारनौल की मिठाई ज़रूर खाना। मुझे नहीं पता कौन हलवाई है क्या नहीं, पर शायद नारनौल के नाम से आप लोग पहचान गए हो किसकी मिठाई है। खा के ज़रूर देखना, आप लोगों को पता चलेगा मेरे नाना कितनी अच्छी बनाते थे। और वो खुद ही बनाते थे, कोई हेल्पर वगैरह कोई नहीं होता था, मेरा नाना जी नानी जी दोनों मिलकर बनाया करते थे। और अगले दिन मैं पहुंच गई अपने सॉन्ग के शूट में। बहुत ही जल्द आप सबके सामने मेरे डीजे के बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग आने वाले, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो मेरे सॉन्ग बैक टू बैक आ रहे हैं। तो शूट पर मैं बिज़ी रहती हूँ लगातार। इस दिन भी मैं शूट पे थी और ये है मन्नू पहाड़ी के साथ मेरा सॉन्ग जो कि चैनल पर आएगा अमित ढुल सर के। जोर से पंजे पंजे में आराम से चलो। हाँ ये मंगल मूर्ति नन्नू क्या कर रहे हो आप, मेरे को दे दो। और नन्नू भी मेरे साथ शूट पे आई हुई है, जब बहुत
लेट तक का होता है शूट, और लगता है कि लोकेशन भी दूर है, तो नन्नू को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ क्योंकि रात को नहीं रुकती है घर पे। और यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, जब भी किसी स्थायी अंतरे का टेक रेडी हो रहा होता है तो हमें उससे पहले प्रैक्टिस करनी होती है कि हमें ये करना है। तो जो अंतरा स्थायी जिसका शूट था तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी कि हमारे ये स्टेप होंगे कैमरा ऑन होते ही। सो गाइस देखो गौतम आया, इससे पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं था, गौतम के आते ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त आए दिवाली के लिए, हैप्पी दिवाली आप सबको, हम सब की तरफ से। और आज इतने दिनों बाद गुड़िया भी आई है, तो भाई दिवाली में बहुत सारे दोस्त आए थे, उन सबका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार बोल दो हैप्पी दिवाली। तो मैं चुड़ैल सी लग रही हूँ भाई, चुड़ैल सी लग रही, अभी मैं सजूंगी और कई देर तक। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। उसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो, उसकी शक्ल देखो। नन्नू कौन आया, कौन आया, देखो सुनोगे, सुनो के बैठी हुई है। और ये अरी परी की लुक, परी दिखा दो अपने आप को, गील के दिखा रही है। और सबसे पहले हम गए पूजा करने के लिए देवरानी के घर पे, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे मैं अपने घर पर खाना बनाती हूँ, और इसलिए सबसे पहले यहाँ पर गए और उसके बाद हमारे घर पर आए और वहाँ पर पूजा पाठ करके खाना पीना खाया। आगे का ब्लॉग देखिए आप लोग। वो देखो ऊपर आप लोगों को वैसे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी रोशनी में शायद दिख जाए, सफ़ेद कपड़े पहना मेरे देवर ने, अंधेरे में ना दिखता नहीं है, इसलिए मेरी देवरानी सफ़ेद कपड़े पहनवाती दिवाली वाले दिन। क्या पता अब भी नहीं दिख रहा आप लोगों को, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो शर्ट शर्ट देख। नमस्ते बेटा, हैप्पी दिवाली। दे देना उसको, फिर खरीद पूजा के बाद अभी नहीं। दूसरा आदि दिवाली की शुरुआत होगी, दीप जलाना शुरू कर दिया। किधर कला इसमें
तो पड़ जाएगी ये दिख नहीं रहा वायरल हो जाएगी बेबी ये दिख नहीं रहा देखो अब रात को तो अंधेरे में कत्ते नहीं दिखता वगैरह वायरल हो जाएगी झूमर और दलाले दिख जा वे झूमर चलाओ पांच मिनट लाइट लगा रखी नहीं है बाल ठीक है ये देखो पूरा काम करेगा देख अब मैं क्या खुशी हुई किसी के मुंह में मत भी कालो कर रखी हां और ये था छोटा सा दिवाली का व्लॉग। आप सबको मेरी फैमिली के साथ व्लॉग देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो फैमिली के साथ व्लॉग बनाया है। और दूसरी चीज़ आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आप सबकी दुआओं से आज मैं बहुत आगे जा रही हूँ। बहुत सारे गानों के अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं, बहुत सारे गानों के शूट मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बच्ची के साथ शूट पर जाना पड़ता है कई बार उसको छोड़ के जाना पड़ता है, छोड़ कर जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा 12 बजे तक तो मेरे बिना रुक जाती है ननू, लेकिन 12 बजे के बाद रुकना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जब नींद टूटती है ना तो उसको माँ ही चाहिए होती है अपनी। तो जब लगता है लेट आऊँगी तो नन्नू को अपने साथ लेकर जाती हूँ। फ़िलहाल कुछ ऐसे एडजस्ट किया जा रहा है और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। बस अभी मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। कुछ लोगों ने मुझे बद्दुआएँ दे रखी हैं तो मुझे देखना है कि मेरी मेहनत पर असर ज़्यादा है या भगवान उनकी बद्दुआओं को सुनता है या मेरी मेहनत को देखता है। और कुछ लोगों ने पूरी कोशिश की कि दिवाली पे मुझे रुलाया जाए, मुझे खुश ना देखने की चाह उनकी रहती है। कुछ अपने ही लोग हैं तो मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं झुककर खड़ी हूँ रिश्तों को बचाने के लिए तब तक मैं झुककर खड़ी हूँ। जब मैंने ठान ली कि मुझे जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ मैंने ठान ली कि मैं नहीं झुकूँगी, मतलब मैं नहीं झुकूँगी। और मेरे लिए मैं अकेले काफ़ी हूँ। मुझे जब तक लगेगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ती रहूँगी, मेहनत करती रहूँगी, उसको घमंड मानो या मेरी मेहनत मानो, जहाँ मैं गलत नहीं वहाँ मैं झुकूंगी नहीं। चाहे उसके लिए मुझे हर रिश्ता छोड़ना पड़े, हर रिश्ता तोड़ना पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ मैं गलत नहीं वहाँ मैं 1% भी नहीं झुकूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले खुश हूँ और अकेले खुश रहना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। लोगों की ना तो बद्दुआओं से मुझे फ़र्क पड़ता है, ऊपर वाला देखेगा और ऊपर वाला ही हर एक चीज़ को बर्दाश्त करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया है और उनकी बद्दुआओं से मेरे हस्बैंड पर फ़र्क पड़ेगा, मुझ पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम पे ही उल्टा पड़ जाए। वो ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है ना ख़तरनाक पड़ती है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। हैप्पी दिवाली आप सबको, और उन सबको भी हैप्पी दिवाली जो मेरा बुरा चाहते हैं। ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे।